हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार आज की इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ के हिंदी के जितने भी कवि हैं उनके काल के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। देखिए फ्रेंड्स, जो हिंदी का चैप्टर है वो दो खंड में बटा हुआ है, एक गल खंड में बटा हुआ है और एक काव्य खंड में बटा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम काव्य खंड में के जितने भी कवि है उसके हम काल के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। चलिए बिना स्किप किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आपको छोटी छोटी बात बताते हैं, काव्य खंड में 13 चैप्टर है। हमने पाठ का नाम नहीं लिखा है क्योंकि आपको तो जरूर मालूम होगा पाठ का नाम, ठीक है। उसके सिर्फ कवियों का नाम एवं काल के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर है कड़वक, जिनके राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी। ये किस काल के कवि है? ऐसे लेकर 13 है, 13 कवि है, ठीक है। कितने कवि है? 13 कवि है, ठीक है। उसको बारे में चर्चा करेंगे। तो एक छोटी छोटी बात बताते हैं आपको कि ट्रिक है, मन से भक्ति करना चाहिए। क्या? मन से भक्ति करना चाहिए। तो मन से हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी और न से हो जाएगा नाभा दास। अच्छा, भक्ति करना चाहिए। फ्रेंड्स, इससे क्या प्रतीत हो रहा है? इससे यह प्रतीत हो रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी और नाभा दास भक्ति काल के कवि है। कौन से काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है। देखिए फ्रेंड्स, लिख दे रहे हैं भक्ति काल, रुक जाइए फ्रेंड्स, लिख दे रहे हैं भक्ति काल। इसे क्या पता हुआ? मन से प्रतीत हो रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी और नाभा दास भक्ति काल के कवि है। और ये भी इससे भी प्रतीत हो रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर और नाभा दास के जितने भी बीच कवि है वो सभी भक्ति काल के बीच आते हैं। क्या? कि मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर और नाभा दास के बीच जितने भी कवि है वो सभी भक्ति काल के कवि है। कोई कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ फ्रेंड्स, ये सच है कि 100% श्योरली है कि मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर और नाभा दास के बीच जितने भी कवि है वो भक्ति काल के कवि है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो देखकर आपका 5 नंबर क्लियर होने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कि नाभा दास किस काल के कवि है, मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि है। तो आपको तो पता हो जाएगा कि ये सब भक्ति काल के कवि है। इसका मतलब है कि सूरदास भी भक्ति काल के कवि है। क्या? सूरदास भी भक्ति काल के कवि है, तुलसीदास भी भक्ति काल के कवि है और नाभा दास तो भक्ति काल के कवि है ही, ठीक है। और उसके बाद भी घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम शानदार ट्रिक रखे हैं। इसके बाद थोड़ी भूषण है ना, इसको थोड़े ब्लैंक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको नहीं बताएंगे, बताएंगे फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात। आज का वीडियो काफी शानदार होने वाली है। जो भूषण है ना उसको थोड़ी देर के लिए हम ब्लैंक करते हैं, उसके बाद जितने आपको कवि बच गया, क्या उसके बाद आपको जितने कवि बच गया वो सभी मॉडर्न युग के कवि है? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ फ्रेंड्स, ये राइट बात है कि इसके बाद जितने भी कवि है वो सभी आधुनिक काल के कवि है। क्या? ये सभी कौन काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना काफी मजेदार होने वाला है, इससे आपका 5 नंबर क्लियर होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जितने भी कवि है वो सभी आधुनिक काल के कवि है। इसका मतलब है कि जयशंकर प्रसाद भी आधुनिक काल के कवि है, सुभद्रा कुमारी चौहान भी है, शमशेर बहादुर सिंह भी है, मुक्तिबोध भी है, रघुवीर सहाय भी है। उसके बाद एक 3 जो बच गया है ना, इसको घबराने की, इसका देखकर अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे काल के कवि है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। विनोद कुमार शुक्ल भी भक्ति आधुनिक काल के कवि है, अशोक वाजपेयी भी आधुनिक काल के कवि है, उसके बाद ज्ञानेंद्र पति भी आधुनिक काल के कवि है, और बच गई भूषण। देखिए जो भूषण था ना उसका रीति रिवाज बिल्कुल अलग था, तो कौन से काल हो गए? रीति काल के कवि हो गए। किस काल के कवि हो गए फ्रेंड्स? भूषण हो गए रीति काल के कवि है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक ही याद करना है, क्या? मन से भक्ति होती है, तो मन से हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी और नौ से नाभा दास, यानी मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर नाभा दास के बीच जितने भी कवि है वो सभी भक्ति काल के कवि है। उसके बाद जितने बच गए, क्या? उसके बाद जितने बच गए सभी आधुनिक काल के कवि है। बच गए एक भूषण, तो वो रीति काल के कवि है। फ्रेंड्स, यदि ये आपका राइट हैंड है तो लेफ्ट यही ना होगा, ठीक उसी प्रकार ही है। जब सब कुछ आपको मालूम है तो एक याद करने में कहा जाता है भूषण रीति काल के कवि है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।